यस सर कमिंग। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर, आइए बैठिए बैठिए। थैंक यू सर। आपने 2016 में बीएससी मैथ से ग्रेजुएशन किया है जी सर, आर एल एस वाई कॉलेज रामलखन सिंह यादव कॉलेज जी सर जी। कहाँ से किया आपने? सर अनिसाबाद पटना से है। अच्छा, तो 16 में आपने ग्रेजुएशन किया है, तो उस समय से अभी तक आप क्या कर रहे थे? सर उसके बाद सर मैंने बीएड किया है, 2020 में कंप्लीट हुआ बीएड, और उसके बाद से सर प्रिपरेशन ही कर रहा हूँ। अच्छा, बीएड किया है। बीएड किया है तो जो टीचर की वैकेंसी भी आई है जी सर बीपीएससी से जी सर, तो उसमें भी आप फॉर्म भर रहे हैं जी सर। तो अगर ऑडिटर वाले में भी आपका हो जाता है, टीचर वाले में भी हो जाता है, किस में रहना चाहेंगे? सर ऑडिटर में रहना ज़्यादा पसंद करूँगा सर, क्योंकि ऑडिटर सर यहाँ पे काम करने का ज़्यादा मौका मिलेगा, और उसके बाद सर टीचर वाला अभी प्राइमरी के लिए हम लोग एलिजिबल हैं, जब सीनियर सेकेंडरी के लिए 9th-10th के लिए जब होंगे तो उसके बाद सर उसमें भी जाने का कोशिश करेंगे, अभी एलिजिबल 9th-10th के लिए नहीं है सर हम लोग। अच्छा, उसके बाद ऑडिटर को छोड़ टीचर में चले जाएंगे? सर टीचिंग में सर इंटरेस्ट है ज़्यादा, क्योंकि सर होम ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, जब 12th पास किया था 2013 में तब से, तो टीचिंग में सर थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है। सीट आप ऑडिटर की सीट तो खराब कर देंगे ना? नहीं सर, सर अभी तो रहना है, ऑडिटर बन जाएंगे जी सर, फिर आपको 8th-9th-10th वाला टीचर वाला में अगर जाना होगा तो चले जाएंगे, तो एक सीट ऑडिटर का खराब हो जाएगा, फिर सरकार का काम भी डिस्टर्ब होगा। सर सरकार अगर मौका हमें दे रही है कि आप एलिजिबल हैं दे सकते हैं, तो इसलिए सर इसमें भी फॉर्म फिल किए हुए हैं, ये तो बहुत पहले का ही फॉर्म है सर। अच्छा, आपने ऑप्शनल पेपर क्या रखा था? सर इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स जी सर। अच्छा, इकोनॉमिक्स में क्या क्या पढ़ा है आपने? जीडीपी और जीएनपी दोनों में क्या अंतर है? सर जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, जो कि पूरे किसी भी इंटरनेशनल कंट्री का, किसी भी देश का पूरे साल का जो आय होता है, जिसमें डोमेस्टिक इनकम को इंक्लूड किया जाता है। जैसे हमारे देश का कोई भी इंसान अगर बाहर में कमा रहा है तो उसको जीडीपी में नहीं इंक्लूड करते हैं, लेकिन विदेशी कोई कंपनी अगर इंडिया में काम कर रही है, जैसे ओप्पो हो गया, वीवो हो गया, तो उससे जनरेटेड जितने भी इनकम होते हैं वो जीडीपी में इंक्लूड होता है। लेकिन ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो जीएनपी होता है, तो उसमें हम लोग बाहर के आय को काउंट नहीं करते हैं, जैसे कि इंडिया में अगर कोई विदेशी कंपनी अगर काम कर रही है तो उनके इनकम को हम जीएनपी में इंक्लूड नहीं करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, बिहार का जो जीएसडीपी है, बिहार इसमें काफ़ी अव्वल है पूरे कंट्री में जी सर, लेकिन फिर भी बिहार में विकास की भी काफ़ी समस्याएं दिख रही हैं जी सर। आपको इस ड्यूअलिटी के पीछे क्या रीज़न लग रहा है कि जीएसडीपी में काफ़ी हम आगे हैं, लेकिन हमारे यहाँ गरीबी बेरोजगारी जैसी समस्याएँ ड्राइवर समस्याएँ, क्या कारण है? सर जीएसडीपी जो है, बिहार का ग्रोथ रेट अभी इंडिया में सबसे ज़्यादा है, 10.98% अभी चल रहा है, जो कि नेशनल एवरेज से भी ज़्यादा है। लेकिन सर अभी ये ग्रोथ रेट प्रेजेंट सिनेरियो के हिसाब से है, जो कि ये डेवलप्ड होने का तो ये सूचक अभी नहीं है, लेकिन आने वाले समय में सर हम डेवलप कर सकते हैं। बट यहाँ पर अभी इंडस्ट्री उतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, एक्सप्लोजिव पॉपुलेशन के कारण अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ ज़्यादा है, एग्रीकल्चर में भी बहुत हाई इनपुट हम लोग नहीं दे पा रहे हैं, ये एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, इन सब का भी जो अदर स्टेट जो है वो लोग कर रहे हैं, जैसे साउथ इंडियन स्टेट जितने भी हैं, लेकिन हम लोग अभी उसमें थोड़े पिछड़े हुए हैं, लेकिन धीरे धीरे सर हम लोग भी आगे बढ़ेंगे। इथेनॉल पॉलिसी ये सब बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो जिसमें हम लोग आने वाले टाइम में सर डेवलप्ड स्टेट की श्रेणी में जरूर आएंगे। बताइए, इकोनॉमिक्स में था जैसे डिफरेंट टाइप ऑफ गुड्स होते हैं जी सर, उसमें क्या इंटरमीडिएट गुड्स पढ़ा जी सर? सॉरी सर अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा, एक होता है इन्फीरियर गुड्स जी सर। सर इन्फीरियर गुड्स बोला जाता है जो सामान अगर नहीं बिकने वाला है, जिसका वैल्यू बहुत कम हो, उसे इन्फीरियर गुड्स बोला जाता है। बैंक में जो टैक्सेस डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो रेट हैं जी सर, उसके बारे में आपने पढ़ा है जी सर? रेपो रेट और इंटरेस्ट रेट जी सर, इन दोनों में क्या अंतर है? सर रेपो रेट जो है हमारे मॉनेटरी पॉलिसी के अंतर्गत आती है, जो कि आरबीआई द्वारा संचालित होती है,
तो रेपो रेट अगर कोई भी कमर्शियल बैंक आरबीआई से कोई लोन लेती है तो उसमें आरबीआई जो इंटरेस्ट लेता है बैंक से, कमर्शियल बैंक से, तो वो रेपो रेट कहलाता है, जैसे रीपर्चेजिंग ऑप्शन भी बोलते हैं उसको सर। तो रेपो रेट जनरली 3 to 14 days के लिए लिया जाता है, बैंक वाले आरबीआई से लेते हैं, तो वो रेपो रेट हो गया। और इंटरेस्ट रेट सर, एक और सर कौन सा टर्म बोले, इंटरेस्ट रेट सर, और इंटरेस्ट रेट जो है सर, जो इंटरेस्ट होता है, जिस ब्याज जो लिया जाता है आरबीआई जो अगर ब्याज ले रही है सर, तो मैं यही सोच पा रहा हूँ कि जो इंटरेस्ट रेट वही होता होगा। तो एक ही बता दिया, दोनों में क्या अंतर है सर? तो इंटरेस्ट रेट रेपो रेट तो है सर, इंटरेस्ट रेट मुझे जहाँ तक लग रहा है कि जो कॉमन पीपल जो बैंक से अगर कोई पैसा ले रहे हैं, जो ब्याज होता है उसी को इंटरेस्ट रेट बोला जाता है। कॉमन पीपल वाला जो इंटरेस्ट रेट नहीं होता है ना, तो कमर्शियल बैंक जो इंटरेस्ट देती है आरबीआई को वही है। एक लॉन्ग टर्म है ये, रेपो रेट शॉर्ट टर्म। अच्छा सर, लॉन्ग ठीक है। अपने भी एक सवाल के जवाब में एआई का के बारे में होता है, एआई क्या होता है सर? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है एक टेक्निक है जो आने वाले समय में अभी भी बहुत अच्छा काम कर रहा है, जिससे कि हम एग्रीकल्चर को सुधार कर सकते हैं। और सर यहाँ पे जो वुमेन के डिलीवरी में भी उसका एआई का यूज़ किया जाता है। नए नए टेक्नोलॉजी अगर कोई भी इंडस्ट्री अगर बना रहे हैं तो उसमें भी, जैसे ड्रोन टेक्नोलॉजी हो गया, तो ड्रोन टेक्नोलॉजी में भी एआई का यूज़ करते हैं। तो एआई चैट जीपीटी के बारे में आप कुछ जानते हैं? क्या है चैट जीपीटी सर? चैट जीपीटी को एक तरह से ये सर्च इंजन है जिसमें हम जो सर्च करना चाहें। गूगल और चैट जीपीटी में क्या डिफरेंस है सर? गूगल और सर्च जीपीटी सर दोनों सर्च इंजन ही है। गूगल ज़्यादा अब बहुत हाई लेवल पे फैल गया है, लेकिन चैट जीपीटी उतना ज़्यादा डेवलप अभी नहीं हो पाया है। बेसिक डिफरेंस क्या है चैट जीपीटी और सर? गूगल में जैसे अगर हम कुछ सर्च करते हैं तो पूरा विकिपीडिया आ जाता है, बहुत सारा चीज़ आ जाता है, लेकिन चैट जीपीटी में पर्टिकुलर चीज़ जो सर्च करना चाहे वो मिल जाता है। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या हमारे लिए फ़ायदेमंद है भारत के लिए? सर भारत के लिए सर फ़ायदेमंद तो है सर, बहुत ऐसा सोर्सेज है जहाँ पे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ अभी आप कह रहे हैं फ़ायदेमंद है, पर हमारे पास इतनी बड़ी जनसंख्या है, उसको हम लोग बहुत सारा प्रोग्राम चला के स्किल्ड कर रहे हैं ताकि उसको रोज़गार मिले, और दूसरी तरफ अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाएगा तो उस वो बेरोजगारी की समस्या को और बढ़ा देगा, क्योंकि कई लोगों का काम एआई प्रोग्राम कर देगा, तो बेरोजगारी की समस्या को बढ़ा देगा सर। तो हमारे देश का जो सर ह्यूमन रिसोर्स है, हम उसको अच्छे से यूज कर सकते हैं, दूसरे जगह वो चैनलाइज कर सकते हैं उस रिसोर्सेज का, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सर हमारा काम आसान हो जाएगा, जो भी काम करना हो इजीली कर सकते हैं, टाइम बचेगा। आप कुनू नेशनल पार्क का नाम सुना है? जी सर। क्यों चर्चा में है ये सर? वहाँ पे चीते मंगवाए गए थे कुनू नेशनल पार्क में, तो सर 8 चीते मंगवाए गए थे, तो अभी उन चीतों में से 2 की मृत्यु हो गई थी। कुछ कारण पता है क्यों सर? उसके बारे में सर ज़्यादा नहीं पढ़ा। तो चीते क्या भारत में नहीं पाए जाते हैं? सर पाए जाते हैं, लेकिन उनके संरक्षण के लिए जिस देश में ज़्यादा है, नामीबिया से मंगवाए गए थे। अच्छा। तो उसके संरक्षण के लिए हम लोग काम करना है मोदी जी का। अभी हाल में हमारे माननीय प्रधानमंत्री यूएई की यात्रा पे गए थे, वहाँ पे आर्थिक क्षेत्र के क्या क्या समझौते हुए, क्या यूएई और भारत के बीच में क्या क्या बातें हुई अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, केवल ये बताइए सर। यूएई से सर वो जो गल्फ कंट्री है, तो वहाँ से अगर हम पेट्रोल मंगवाना चाहें, कच्चा माल, मतलब हमारे देश में पहले भी वहाँ से मंगवाया जा रहा है यूएई से, तो उसके बारे में भी सर मैंने उसके बारे में पढ़ा नहीं है, लेकिन जहाँ तक सर मैं गेस कर सकता हूँ कि सर उस बिजनेस के पर्पस से गेस तो नहीं हो रहा है, समझौता सर समझौता सर सॉरी यूएई का क्या इम्पोर्टेंस है भारत के लिए? सर हम वहाँ से कच्चे माल मंगवाते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, तो उसको यहाँ पर रिफाइन करके सर, और यूएई में इंडिया से बहुत सारे लोग वहाँ पर रहते हैं, तो वहाँ का जो पैसा है, इंडिया का जो जीडीपी है सर, इंडिया के जो अमाउंट जो हमारे देश में जनरेट होते हैं, तो उसमें वहाँ का भी योगदान है यूएई से।
अभी वर्तमान में संसद का कौन सा सत्र चल रहा है सर? सॉरी सर, सर कितने सत्र होते हैं संसद के एक वर्ष में? तीन सत्र होते हैं। कौन कौन से? सर पहला सर सॉरी सर सर नहीं याद कर पा रहा हूँ। हाँ तो आप इकोनॉमिक्स भी पढ़े हैं, मैथमेटिक्स भी पढ़े हैं जी सर, तो एज ए ऑडिटर आपको इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स का अध्ययन कहाँ तक आपको लाभ पहुँचाएगा? एज ए ऑडिटर आपका क्या फायदा होगा? सर मैथमेटिक्स से हम लोग कैलकुलेशन करना सीखते हैं, तो जो कैलकुलेशन वहाँ पे ऑडिटिंग करने में, कोई भी अगर अकाउंटिंग होती है तो ऑडिटिंग का तो काम ही होता है कि हम उसको ठीक से वैलिडेट करें, करेक्ट है या नहीं, उसके बारे में कोई डिस्प्यूट अगर हो रहा है तो वो भी ऑडिटिंग अगर अच्छे से करें तो उन सबको सुलझाया जा सकता है। तो जो मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो उसमें उसका सर बहुत प्रॉपर रोल है, जो हम कैलकुलेशन अच्छे से कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक्स में सर हम लोग पढ़ते हैं कि कोई भी हमारे पास मिनिमम रिसोर्सेज है तो उससे मैक्सिमम आउटपुट पा सकते हैं, जो कि वहाँ पे अगर किसी भी पंचायत में हम काम कर रहे हैं तो कोई भी काम हो रहा है तो उसको हम अच्छे से अपना सजेशन दे सकते हैं कि यहाँ पे इस पैसे का सही यूज कहाँ किया जाना चाहिए, तो इकोनॉमिक्स का बहुत बड़ा रोल होगा सर। इकोनॉमिक्स कितने प्रकार के होते सॉरी सर? माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है सर? सर माइक्रो इकोनॉमिक्स है जिस इकोनॉमिक्स में हम इंडिविजुअल के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कोई पर्टिकुलर चीज़ के बारे में अगर पढ़ते हैं तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स कहलाता है। इंडिविजुअल के बारे में किस बताइए आप? बिहार और बंगाल में जी सर, बिहार बंगाल में भी पंचायत चुनाव हुए जी सर, अभी हिंसा भी हो रही थी वहाँ, क्या कारण था? सर वहाँ पे सर पहली चीज़ ये कि बंगाल जो है सर वहाँ पे पार्टी बेस्ड पंचायत चुनाव होता है, जो कि हमारे देश में पार्टी बेस्ड पंचायत चुनाव नहीं होता है। तो वहाँ पे सर सर माना जा रहा था कि जो जो वहाँ पे ममता बनर्जी की जो सरकार है तो उनके जो कुछ लोग हैं वो लोग पहले से ही बहुत जगह पे हिंसा कर रहे थे और अपने पार्टी वाले लोगों को टिकट देने के लिए और फिर दूसरे पार्टी को नुकसान पहुँचाने के लिए वहाँ पर सर कोई षड्यंत्र रचा जा रहा था। क्या वहाँ पर राज्यपाल शासन या राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए? सर अगर वहाँ का राज्य सरकार अगर ठीक से उसको सुलझा लेती है अभी भी तो फिर सर ठीक है, नहीं तो राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। बोले पंचायती राज व्यवस्था में बिहार में कितने स्तर की पंचायती राज व्यवस्था है? सर त्रिस्तरीय है सर, बिहार में त्रिस्तरीय है, बंगाल में सर चार हैं। सर वहाँ पे सर एक तो सर जो गांव लेवल का होता है ग्राम पंचायत, फिर उसके बाद ब्लॉक लेवल का सर, ब्लॉक लेवल जिसे हम लोग पंचायत समिति बोलते हैं, और जिला लेवल का जिला परिषद बोलते हैं सर। वहाँ पे एक और एक्स्ट्रा है सर, सॉरी सर याद नहीं कर पा रहा हूँ। पंचायत का क्या आय के स्रोत, पंचायत को कहाँ कहाँ से फंड मिलता है? सर पंचायत का कोई भी अगर टैक्स है, मतलब लैंड टैक्स, फेयर टैक्स, जो मेला लगाया जाता है गांव में, उनसे भी पंचायत को, और फिर स्टेट स्पॉन्सर्ड भी होता है, सरकार भी कुछ पैसे वहां पे प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, बताइए ऑडिट और इन्वेस्टिगेशन, ऑडिटिंग और इन्वेस्टिगेशन में क्या डिफरेंस है? सर ऑडिटिंग जो है सो इन्वेस्टिगेशन से पहले किया जाता है कि अगर कोई भी कैलकुलेशन हुआ है तो उसको हम अच्छे से चेक कर लेंगे तो वो ऑडिटिंग हो गया, कहाँ पे क्या करेक्ट हो सकता है, जहाँ पे अगर ज़्यादा पैसे खर्च किए गए हैं तो उसको हम ठीक कर सकते हैं ऑडिटिंग। और इन्वेस्टिगेटिंग सर लास्ट प्रोसेस है कि वो फाइनल डिसीजन बताना कि ये सही है या गलत है, उसके लिए सर इन्वेस्टिगेशन होता है। ऑडिट आप इंटरनल ऑडिट और एक्सटर्नल ऑडिट के बारे में सुने हैं? सॉरी सर जी बताइए कि यदि आपसे यह पूछा जाए कि अपने बारे में दो स्ट्रॉन्ग पॉइंट और दो वीक पॉइंट बताइए जी सर, तो कैसे बताएंगे, क्या क्या बताना चाहेंगे आप? सर स्ट्रॉन्ग पॉइंट सर मुझे लगता है कि जो मुझ में सर पेशेंस मतलब बहुत है, और सर मैं फ्लेक्सिबल हूँ, काम
बहुत जल्दी सीख सकता हूँ, एक साथ दो तीन काम भी कर सकता हूँ अगर वो काम मुझे दिया गया तो। सर तो ये मुझे लगता है कि ये मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। और वीक पॉइंट, सर मैं बहुत जल्दी किसी को ना नहीं बोल पाता हूँ। और सर थोड़ा सा मुझे मूवी देखना ज़्यादा पसंद है, तो वो भी मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा वीक पॉइंट है मेरा, कि उसको थोड़ा कम करना चाहिए। अब तो थोड़ा कम कर दिया हूँ, लेकिन सर किसी को आप ना नहीं करते हैं तो जब ऑडिटर आप बनाए जाएंगे तो सकता है वहाँ भी आप कुछ कोई गड़बड़ी करने वाले व्यक्ति के साथ मिल करके आप हाँ कर देंगे। नहीं सर, सर वो जब जहाँ पे हमारा काम जो दिया गया है तो उसके साथ तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं सर। सर अपने वर्क क्षेत्र में तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते जनरली। अच्छा, आपकी हॉबी क्या क्या है? सर हॉबी, सर मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है, मूवी देखना पसंद है, लोगों से मिलना, और फिर सर एक्टिंग भी मुझे सर पसंद है। एक्टिंग में क्या करते हैं? सर कोई भी एक्टिंग, जब स्कूल में थे तो वहाँ पे भी छोटे छोटे स्किट होते थे 15 मिनट 20 मिनट के, उसमें परफॉर्म करते थे। फिर गांव में भी अगर कोई ड्रामा होता है तो वहाँ पे भी परफॉर्म कर लेते हैं, कोशिश करते हैं कि करें, क्योंकि सर इंटरेस्ट है उसमें। ठीक है, ओके, क्या आप जा सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सर। तुम्हारा ठीक ठाक है सब, है ना? कॉन्फिडेंस लेवल ठीक है, बोल रहे ठीक से, तो सुन था स्ट्रेस फील कर रहे थे चेहरा पर, ये था सर फर्स्ट कोई है, इससे पहले नहीं दिया सर। हाँ, तो पहले और आना चाहिए था तुमको, तो पहले यहाँ आए हुए हम जी सर, है ना? तो सब ठीक है, थोड़ा सा और पढ़ लो सर। सेक्टर सर बता दीजिए सर, पढ़ लेना है। जैसे कि GDP GNP बोला जाता है, इंटरनेशनल कंट्री बोल रहे हैं, शब्दों के सिलेक्शन पे ध्यान देना है। जी सर, सर मुझे भी लग रहा था सर वहाँ पे, ठीक है ना, ये ध्यान। ऑडिटर और टीचर वाले में तुम बोल रहे हो कि भाई अब फिर आएगी वैकेंसी दोबारा, तो ऑडिटर वहाँ चले जाएंगे, तो तुमको डेडिकेशन डिवोशन दिखाना है ना जहाँ जा रहे। अच्छा, वो सर मतलब है ना, बहना नहीं है सर उसमें, ये सब इसको ध्यान रखना है। बिग पॉइंट वाले में अब किसी को हम ना नहीं बोलेंगे, ये हम लोग कहें कि बोलने से थोड़ा सा सर उसको हटा देते हैं, बैड इम्प्रेशन भी जाता है, हटा देते हैं, तो इसलिए वो लिखा गया है कि ताकि तुम बताओगे तो चर्चा करेंगे ना। तो ऐसा बताना रहता है जिसमें कि वो तुम्हारा पॉजिटिव पॉइंट बन जाए। जी सर, ठीक है ना, इसको ध्यान रखना है। थोड़ा सा प्रेशर में बोल दिए, चीता है भाई, चीता 1952 में एक्सटिंक्ट हो चुका है इंडिया से, चीता नहीं है इसीलिए लाया गया था। अच्छा, इंडिया में नहीं है चीता, इसीलिए उसको। AI वगैरह पे आप बता रहे थे, खुद AI बोल रहे हैं, लेकिन ChatGPT के बारे में आप उसे कनेक्ट नहीं कर पाए। ChatGPT नॉर्मल सर्च इंजन नहीं है ना, वो तो AI बेस्ड है। आप उसे किसी सब्जेक्ट पे बुक लिखना कहेंगे तो वो बुक लिख देगा। यस सर, तो वो गूगल तो नहीं कर सकता है। गूगल जहाँ जैसी जानकारी है बस उसको ला के आपके सामने रख देता है, बट ChatGPT उससे बहुत आगे की चीज है। और संसद सत्र वगैरह को वो सब थोड़ा मानसून सत्र और ये मोदी जी की योजना है, उस टाइप से नहीं बोलिएगा। मोदी जी लगता है चिता में ही बोले थे, तो वो बोलना है प्रधानमंत्री जी या माननीय प्रधानमंत्री, नाम लेने की जरूरत नहीं। अच्छा, हाँ मोदी जी तो लैंग्वेज हो गया, चलता है उसमें भी। आप जो सर को बता रहे थे तो उसमें आप ये बोल सकते थे कि इसका पे स्केल ज़्यादा बेटर है, जो प्राइमरी स्कूल के टीचर का पे स्केल है और ऑडिटर का पे स्केल तो बहुत आगे होगा। ये सैलरी सर लगभग दोनों का बढ़ी है, अब पे स्केलिंग का ज्यादा है ना, लेवल है उसमें नहीं है भी नहीं इसमें, तो आपको प्रमोशन सब अच्छी टाइम से मिलेगा, उसमें तो पता नहीं क्या मिलेगा आपको, तो उससे लिख दिया गया इतना देता है सर। हॉबी में जो एक्टिंग लिखे हैं बोल सकते हैं वहाँ, या फिर छोड़ क्या क्या एक्टिंग करते हो तो बताओ, तैयार करिए उसको, एक्सप्रेशन करना है ना, बोलना का मतलब सर, क्यों सर इंटरेस्ट है मतलब करते हैं कभी भी अगर मौका मिला तो इसीलिए लिखते हैं। हाँ ठीक है, अच्छा है, क्रिएटिविटी लिखना चाहिए ना, इंटरेस्टिंग है, अच्छा खाली बोलिएगा, अच्छा इसको तो अच्छा।